गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो है आपकी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एग्जाम लिया गया था 2016 में शिफ्ट वन का NTPC उसका क्वेश्चन पेपर है। उसका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए तो ये आपको दे रखा है, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा है मैंने। चलिए इसमें आप क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, जॉन ने कहा सैरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो सैरोन जॉन से कैसे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कह कौन रहा है, इसमें कह रहा है सैरोन जॉन कहता है, तो ये आपका जॉन, ठीक है। सपोज इसको हम बॉक्स में बनाते हैं, यहां आपका हो गया जॉन। जॉन कहता है कि सैरोन मेरी दादी, दादी मतलब यहां इसके पापा और फिर उसके माताजी, ठीक है। ये जो सर्कल है वो लेडीज और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका स्क्वायर शेप का रेक्टेंगल ये जेंट्स का, मेल का। चलिए तो यहां इनकी दादी हो गई। अब क्या कहता है सैरोन, कहता है मेरी दादी के इकलौते बेटे, यानी इनका इकलौता बेटा ये है, की बेटी यानी इनकी बेटी, तो सैरोन जोन से कैसे संबंधित है। तो देखिए अब इनकी बेटी ये है और इनका बेटा ये है, तो दोनों में रिलेशन किस चीज का हो गया, सिस्टर का, ठीक है। तो आपका इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए, बहन। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका, जूम कर देता हूं मैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी दीवार पर टिकी है। ओके फ्रेंड, ये आप समझ लीजिए ये दीवार हो गई वॉल, और ये आपकी सीढ़ी हो गई 20 मीटर की, ठीक है। उसके बाद कहता है जमीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाता है, एक्चुअली 6 नहीं है 60 है, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी निकालनी है, ये आपको निकालना है x, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमें ये लंब है परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा आधार, यानी हमें ये निकालना है। तो बेस अपॉन में h, हाइपोटेनस यानी कर्ण, कितना दे रखा है आपको, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ये आपका होता है cos थीटा, और थीटा कितना दिया है आपका 60। ओके फ्रेंड, तो ये आपका हो गया एक्स अपॉन में 20, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 20 इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहां लिख देता हूं मैं 20/2 डिवाइड करा 10, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 10, और 10 देखिए किसमें दे रखा था, ए में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे ए। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, जीवों और पर्यावरण के बीच की अननोन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका मतलब जब हम जीवों और पर्यावरण का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सी रिसर्च कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी इकोलॉजी, ठीक है, पारिस्थितिकी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में कौन सा एक हाई हिट ओवर हेड शॉट है। बैडमिंटन में देखा होगा आपने, खेला होगा, तो उसमें जो शॉट मारते इसमें स्मैश करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई और माइनस का डिवाइड ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा 35 दिया है, हमने 35 लिखना है, 35 उसके आगे माइनस का सिंबल है, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देखोगे क्या, प्लस का मल्टीप्लाई है, माइनस का डिवाइड है, तो यहां डिवाइड लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, 5
फिर प्लस का 6 है, तो ये 6 प्लस है। अब प्लस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्लस का मतलब इनटू है 6, आगे फिर इनटू दे रखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या है, मल्टीप्लाई का प्लस है, तो प्लस आपका हो गया 7। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपने रूल पढ़ा है, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद ऑफ फिर डिवाइड, तो 5 से इसको डिवाइड करा 7 आया, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 प्लस में 7, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की 42, फिर 7, 42 प्लस 7 49, तो 49 आपका आंसर हो गया बी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या लिखा है, यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और इनका योग 320 दे रखा है, इसमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले इन तीनों को सम करो, कितना आ जाएगा आपका, संख्या हमने मान ली x, ठीक है, तो ये हो जाएगी 4x, आपकी ये हो जाएगी 4x, 5x और 7x, ठीक है, तो तीनों को प्लस करेंगे, 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x प्लस 7x, ये आपकी हो जाएगी कितनी, 320 के बराबर दे रखा है, ये आपका हो गया 4, 5, 9 और 16, यानी 16x इज इक्वल टू 320, 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, ठीक है फ्रेंड। आगे क्या कहता है, वो छोटी तथा बड़ी संख्या का योगफल, सबसे छोटी कितनी है 4, सबसे बड़ी कितनी है 7, तो 4 और 7 कितना हो गया 11x, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू में x, x की वैल्यू आई है 20, तो आपका ये हो गया 220 आंसर बी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्या दे रखा है, सेम वही दोबारा आ गया, 15 आपको प्लस दिया है, प्लस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 7, फिर आपको दिया है मल्टीप्लाई, अब आप देखेंगे मल्टीप्लाई का मीन्स होता है क्या, प्लस, प्लस 12, फिर डिवाइड लिखा है, और आपको दे रखा है डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस 7, इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए पहले इसकी करेंगे 15, 7, 105 प्लस 12 माइनस 7, ठीक है, 105 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 117 और माइनस का 7 कितना आएगा 110, आंसर आपका कौन सा हो गया ए। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट करते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो जो आधुनिक होते हैं मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उनको हम नापने के लिए यूज करते हैं पीपीएम का, ठीक है, पीपीएम पृष्ठ प्रति मिनट, आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों को समान दिए गए विकल्प से संबोधित जोड़े को चुने, यानी आपको इसमें नंबर दे रखा है, आपको इसको टिक करना है इसमें कौन सा ऑप्शन को, तो देखिए लोयन का दे रखा है रोर, लोयन जो होता है वो रोर करता है, ठीक है, घुर्राता है, तो ऑल क्या करता है, हुट करता है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है, ये इनकी आवाज दे रखी है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नीचे दिए गए कथन में से कुछ निष्कर्ष, मैं और जूम कर देता हूं, हाँ निष्कर्ष, इस कथन को सत्य मानते जाते हैं और सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाते हैं, फिर निर्धारित किए गए निष्कर्ष में कौन सा इस कथन को तर्कसंगत है, आपको बताना है इसमें कौन सा तर्कपूर्ण है, ठीक है, जो भी कथन दिया गया उसको हम सत्य मानेंगे चाहे वो गलत हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है। चलिए क्या कहता है, उच्च जोखिम लेने वाला उच्च प्रतिफल मिलता है, इसका मतलब अगर आप ज्यादा जोखिम लेते हो तो आपको उसका ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, ये इसने कथन कह दिया। चलिए जी ठीक है, अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं, क्या रिजल्ट सही निकलता है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, देखिए ये बोला गया है कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम रिस्क लेंगे नहीं तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है, तो आपका पहला गलत हो गया।
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सबके अपने अपने थॉट होते हैं, विचार होते हैं, हमारी मर्जी हम ले ना ले, तो इसके बारे में भी कोई कथन नहीं किया गया। इसका मतलब इसमें दोनों ही गलत है। देखिए, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिखा है ना तो एक और ना तो दो, तर्क संगत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे कुछ कथन उनके विकल्पों के निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं, आपको इन कथन को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से मेल ना खाते हो, या फिर निर्धारित करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, सेम ये भी आपका, सभी कलम किताबें हैं, ये आपको दे रखा है। देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जितनी भी कलम है ना वो सारी की सारी बुक है, तो अगर यहाँ पे पेन हो गया तो ये आपका बुक हो गया। ठीक है, जितने भी पेन है सारे के सारी बुक के अंदर है। आगे बोल रखा है सभी किताबें मेज है, और ये आपका एक बड़ा हो गया मेज। ठीक है, टेबल। अब क्या पूछता है, सभी मेज कलम है, जो आपके जितने भी टेबल हैं वो पेन है? जी नहीं, पेन जो है देखो नीचे से इस तरह के जाते हैं तो ट्रू होता है, पर जब ऊपर से अंदर की तरफ आते हैं तो वो फॉल्स होता है। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या बोला है, सभी मेज कलम है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पहला गलत हो गया, कुछ मेज कलम है, कुछ मेज जो है वो कलम है। तो देखिए जब ऑल ऑल का केस होता है ना, सभी दे रखा है, यहां भी सभी दे रखा है, तो यहां कुछ वाली जो सिचुएशन होती है वो आपकी ट्रू हो जाती है। इसका मतलब आपका सेकंड सही है। चलिए आगे देखते हैं, सभी किताबें कलम है, सभी बुक जो है फिर नीचे की तरफ जा रहा है ये देखिए, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद कोई भी मेज किताब नहीं है, तो कोई भी नहीं की बात करिए, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं। इसका मतलब आपका आंसर ओनली ओनली बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 12, यूएई का दे रखा है दिराम और कोरिया। तो फ्रेंड ये रीजनिंग का है, इसको आप समझने की कोशिश करिए, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ये एक तरीके से इनकी करेंसी दे रखी है। ठीक है, यूएई की जो है दिराम दे रखी है, कोरिया की क्या होती है, वॉन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सी लिखा है, सी वॉन। ठीक है, चलिए अगला दे रखा है, यदि ए एक दे रखा है, ई 26 है, तो सेट कितना होगा? देखिए सेट ए 1 है, ए की पोजीशन भी 1 होती है। ई ए टी में अगर आप देखोगे तो ई का होता है 5, ठीक है, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, तो आपका कितना हो गया ये 26, यानी सबके नंबर्स को शो कर रहा है ये। इसी तरीके से सेट एस का होता है कितना आपका, एस 19 होता है, और ईट आपका दे रखा है 26। ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 45, तो 45 आपका आंसर हो गया ए। ओके फ्रेंड, चलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? देखिए जो स्टेम सेल होते हैं ना वो आपके इसके अंदर फैट नहीं होता, तो आपका मेद हो गया आंसर डी। ठीक है, चलिए अगला आपका दे रखा है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करते हुए आधारित सवालों के जवाब देने हैं, नीचे दिए गई कंपनियों को तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। देखिए 12 से 13 ईयर का क्वांटिटी 1, 12 से 13 क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, ये सब कुछ दे रखा है, हमें इसे डिटेल नहीं लेनी, हमें सिर्फ इसका क्वेश्चन पहले देखना क्या पूछता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने देखा क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 14 से 15 की कुल बिक्री कितनी है। ठीक है, 14 से 15 की कुल बिक्री कितनी है, तो आप 14 से 15 देखोगे, 14 से 15 कहां स्टार्ट हो रहा है हमारा, 14 से 15 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको उन चारों को ऐड करना है, चारों को ऐड करिए, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, कैरी 1, 4 जा 16 और 1 78, तो आपका आंसर हो गया इसका 78 किसमें,
78 आपका दे रखा है बी। ओके फ्रेंड, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ये भी वही क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछा आपसे कि देखिए इसमें पूछा है 12 से 13 और 13 से 14 में कंपनी की बिक्री की साल दर विकास कितना हुआ है। ठीक है, तो हमें किसका देखना है, 12 13 का और 13 14 का। तो हम 12 13 का पहले देखते हैं, 12 13 में कितना है आपका, 12 13 यहां से लेके यहां तक हो गया 4 साल का, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 9 22 की 2 कैरी 1, ठीक है 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, एक सेकंड मिस्टेक होगी शायद, 5 और 2 सॉरी 5 4 9, 9 और 4 13, 39 22 2 था, ठीक है ठीक है 1 1 2, ठीक है 112 हो गया, ये आपका हो गया 112। आगे किसका बोला है, आगे बोला है 13 14 का, ठीक है 13 14 का हम लेते हैं, 13 14 का कहां से स्टार्ट है हमारा, 13 14 का यहां से यहां तक स्टार्ट है, चलिए 6 और 2 8, ठीक है 8 और 3 11, 11 और 3 20, कैरी 0, 0 लगा कैरी 2, 3 3 6, 3 3 और 3 चौक 12 और 2 14, 140, इसका 140 आया और उसका आपका कितना आया था 112, तो दोनों का हमने डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 28, ठीक है। चलिए अब इसने बोला हमें परसेंटेज निकालने को, तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं, कितना है आपका 28 अपॉन में कितना 112 पर 100, ठीक है फ्रेंड, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 7 से काटते हैं, 7 4 जा 7 से 7 1 जा और 7 6 जा 42, ठीक है 4 से काटा 4 बार पे, 4 से काटा 25 बार पे, तो आपका आ गया 25%, ठीक है 25% मींस आंसर सी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी उसी का ही है, डाटा का डीआई का, वित्तीय वर्ष 13-14 के प्रति तिमाही औसत बिक्री कितनी है। तो अभी हमने 13-14 में क्या निकाला, 13-14 में हमारा था 140, ठीक है 140, अब क्या करने को बोला है उसने, तिमाही निकालना है, तीन तीन महीने के कितने सेट होते हैं एक साल में, आपके 4 सेट बनते हैं, ठीक है तिमाही 4 होते हैं एक साल में, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 35, 35 मींस आंसर आपका हो गया डी। ओके चलिए नेक्स्ट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। आपको पता होगा जो अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे और मौर्य वंश की स्थापना जो थी 322 एडी में हुई थी, सॉरी बीसी में, और किसने करी थी, ये करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका फिर जो बेटा हुआ वो बिंदुसार हुआ और उनका बेटा अशोक, ठीक है, तो यानी मौर्य वंश की ये तीसरी पीढ़ी थी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, अगला दे रखा है आपका, देखिए ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल कितने दिन लगते हैं 40, ठीक है 40 दिन लगते हैं, उसी काम को करने की अनुपात क्या है, एफिशिएंसी इनकी वह है आपकी 8:5 टोटल दोनों की, ठीक है 5, और अब निकालना किसका है, ए का निकालना है, तो ए देखिए इसमें से कितना है, ए दे रखा है आपका 8, ठीक है, और अगर बी का बोला होता तो इसकी जो दे रखी है ना आपकी 8 और 5, तो मैं 5 लिख देता, ठीक है फ्रेंड, ए की निकालनी है तो मैंने 8 लिखा है, चलिए 8 से डिवाइड 8 5 जा और ये हो गया 8 और 5 13, यानी 13 5 जा 65, यानी 65 डेज लगेंगे, आपका आंसर हो गया ए। ओके फ्रेंड, और अगर सपोज आपसे जैसे बी का पूछ लेता तो बी कितने लेता है 5 दिन, तो यहां में कितना होता 40 और नीचे 5 काटते 8 आता
और 13 8 जा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड। आपको बताना है जो शाहजहां था उसके द्वारा इसमें से कौन सा किया गया था। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है आपका, इसमें देखिए निम्नलिखित जामा मस्जिद जो है ना दिल्ली का, इसका निर्माण जो किया गया था वो आपके किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड। चलिए ओके फ्रेंड, तो इसका हो गया आपका जामा मस्जिद बनवाया था दिल्ली का किसने, शाहजहां ने। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपका, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ठीक है, यानी स्वतंत्रता कब मिली थी श्रीलंका को, तो वो हमारे एक साल के बाद मिली थी, ठीक है। इसका आंसर आपका ए है 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट दे रखा है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपका कोई ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया 30 दे रखा है। इसने कहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आपका ये x है तो ये आपका x प्लस में 7 है, इसका बेस निकालना है आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना दे रखा है आपका x और हाइट कितनी दे रखी है x प्लस 7 इक्वल टू में 30, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा आपका x, x प्लस 7 इज इक्वल टू में 60, क्लियर है फ्रेंड। अब देखिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे, अब क्या करते हैं इसमें, वैसे आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो पर हम ऑप्शन से कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा। मुझे 60 लाना है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 में से कुछ पुट करनी है। सपोज मैंने 5 पुट करी, ठीक है, 5 पुट करी, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर 5 रखूंगा, 5 और 7 12, यानी कि 5 × 12 60 होता है जी, हाँ 60 होता है। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 5, ठीक है फ्रेंड। कोई और भी पुट करके देख लो आप, आंसर फिर बाकी से नहीं बनेगा। सपोज x की वैल्यू 12 लेते हैं, यहां मैंने लिया 12, चलिए जी 12, फिर यहां 12 प्लस करता हूं, 12 में 7 जोड़ा 19, तो वैसे ही पता लग रहा है आपको 19 10 जा 190 होता है, तो 218 चला जाएगा, ठीक है 28, तो ये तो होगा नहीं। इसी तरीके से आप कोई सा भी मैच कर लो, आपका नहीं बनेगा, ओनली 5 पे बनेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्वेश्चन नंबर 23 से। जो होमोसेपियंस था वो मानव का नाम था, ठीक है, कैसे मानव का, जो बुद्धिमान हो, जिसमें सोचने की समझने की शक्ति हो। चलिए 24 पे आते हैं, 24 क्वेश्चन देखिए आपका, ये दे रखा है इसमें बताना है सही कौन सा है। तो सबसे पहले आप इसमें पता लगाओगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, आपने देखा सारे नंबर सेम है, 13/21 तो नीचे भी 13/21 आगे पीछे दे रखा है। आपको क्या करना है, किसी भी एक को लेना है और उनके गैप देखने हैं कितने कितने का है, ठीक है। सपोज इसका कितने का अंतर है, 21 में से 13 गया, आपका अंतर बचा कितना 8, चलिए जी पहला 8 है, दूसरे में कितने का है 57 और 97, आपका हो जाएगा 40, चलिए तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका दे रखा है 94 में से 52 गया 42, और लास्ट कितना है आपका यह 79 में से 36 गया तो 9343, ये आ गया। तो जिसमें सबसे ज्यादा गैप होगा वो आपका सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5, जिसका 43 गैप है, 43 मतलब ये, तो आपका पहले नंबर पे ये आएगा, ठीक है। उसके बाद 42 किसका गैप है, दूसरा 52/94 ये आएगा। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले 36/79 कौन सा दे रखा है, 36/79 पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, इन तीनों में से कोई सा है। दूसरा होना चाहिए 52/94,
तो 52/94 बी भी कैंसिल हो गया, सी और डी में से कोई सा है। चलिए अगला कौन सा दे रखा है, 40 मतलब 57/97 57/97। अब देखिए ये किसमें दिया है, ये इसमें दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो फ्रेंड ये कैसे करा है मैंने, सबका गैप लिया, जिसका ज्यादा गैप था वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो देखिए 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला देश था साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला आपको दे रखा है, ये देखिए ये आपका फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको इनके नंबर्स याद है ना तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए जैसे कि पता है आपको एस और एन के बीच का हम लेते हैं, एस आपको होता है 19 पे और एन आपको होता है 14 पे, 19 से 14 जा रहा है, माइनस 5 हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी माइनस 5 ले जाएंगे, टी कितने पे होता है 20 पे। ठीक है, T20, और इसमें 5 माइनस करेंगे आएगा 15 पे आपके क्या होता है ओ, यानी कि पहला अक्षर ओ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी सी भी नहीं है डी भी नहीं है, चलिए ए बी में से कोई सा है। अगला टी देखते हैं, टी का दे रखा है वी से, टी का वी, टी होता है 20 और वी होता है आपका 22, यानी कि प्लस 2 ओ है, तो आपको भी प्लस 2 करना पड़ेगा। ई है, ठीक है, ई में प्लस 2 करोगे, ई में प्लस 2, ई आपका होता है 5th नंबर पे, 2 प्लस करोगे 7 मतलब जी। ठीक है, तो देखिए ओ जी किस पे है, आपका पहले पे, तो आपका आंसर हो गया ए। इसी तरीके की सीरीज चलेगी, -5 + 2 फिर आपका -5 + 2 -5 + 2 ऐसे सीरीज चलती जाएगी, आप पूरा निकाल के देखना सेम आपका यही बनेगा, पर हमें तो टाइम की कमी होनी चाहिए हम पे हमेशा, है ना, कि हम इसको बहुत ही कम से कम समय लेके कर सके, हमने ऑप्शन देखा और टिक लगा दिया। चलिए तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया, ए। आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर के निर्माता या जो यूजर्स होते हैं उनके द्वारा प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। भैया जो आपकी जो रोम होती है ना उसमें जो आपने एक बार कर दिया तो उसको आप संशोधित नहीं कर सकते, वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 दे रखा है, तो देखिए 7 और उन दोनों का अनुपात 7 और 2 है। अगर मैं संख्या x मान लेता हूं, पहली 7x और दूसरी 2x, इनका अंतर कितना है 5x, 5x आपका दे रखा है कितना 50, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या है, आपको बोला है दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है, यानी कि 7x और 2x का, तो 7x इंटू 2x हो जाएगा आपका 7x की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, 7 × 10 70 और ये आपका हो जाएगा 20, 20 में करेंगे 1400। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 1400। यहां तक क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 29 में, देखिए चलिए ये आपका दे रखा है हेल्थ का दे रखा है IDBKUG। ठीक है फ्रेंड, आपको इसको सॉल्व करना है। तब देखिए जब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था सेम आपको वही करना है। ठीक है, इस सीरीज में देखो 8 जो H होता है वो कितने पे होता है आपका 8 पे, और I कितने पे होता है 9 पे। ठीक है, यानी 1 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी H है, H का 1 प्लस होगा यानी कि I, चलिए यानी आंसर होगा I। आगे E दे रखा है, E होता है आपका 5 पे, और यहां D दे रखा है, D होता है आपका कितना 4, यानी कि हो गया आपका -1। ठीक है, 4 -1 हो रहा है, तो यहां पे भी आपका -1 करना पड़ेगा। O से पहले क्या आता है आपका, O होता है 15 पे, 14 पे N, तो हो गया
एन, यानी आई एन, जैसे हमने देखा आई एन आपको डी पे दिख गया तो आपने टिक लगा दिया आई एन टी ओ, बाकी आप कंप्लीट करना, यही सीरीज बनेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 30, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे पूरे, उसके बाद 50 अगली वीडियो में बनाएंगे, ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे पूरा पेपर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो देखिए, जो जलियांवाला बाग हुआ था ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919 में हुआ था, इसे कराया था कर्नल जेनरल डायर ने, इनके जो ऑर्डर था, इन्हीं के ऑर्डर पे वहां पर सैकड़ों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये देखिए 31, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज 80,000 रुपए दे रखा है, 2 वर्ष में 20 वर्ष की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएगा? तो फ्रेंड ये आप ध्यान रखिए, अर्धवार्षिक बोल रखा है, जब भी अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का जो भी आपका रेट होता है ना उसको हम आधा कर देते हैं, तो ये आधा कर दोगे हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, और 10% का मतलब कितना होता है, रेशियो में बदलेंगे तो 1/10। ठीक है, क्योंकि आप परसेंट से नीचे 100 है, परसेंट हटाओगे तो 100 लग जाएगा, 10 से 10 गई, 1/10 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब आपका आगे कितना, 1/10। अब हम करते हैं यहां पे प्रिंसिपल हो गया, यहां आपका अमाउंट हो गया, रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी 1/10 था, 10 रुपए पे ब्याज कितना मिलना है आपको, 1 रुपए, तो 10 से 11 हो जाएगा। ऐसा कितनी बार होगा, साल में 2 बार होगा तो 2 साल में 4 बार हो जाएगा आपका, फिर अगली साल 10 से 11, फिर 10 से 11, और फिर 10 से 11। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आपका टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, टोटल प्रिंसिपल अगर मैं देखता हूं तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 10 10 10 10, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4, 10,000 हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, पर ये 10,000 की जगह कितना दिखा रहा है, 80,000, यानी कि किसका कितना टाइम है, ये आपका यहां आएगा मल्टीप्लाई करके 10,000 आता, और यहां पे आपका आ रहा था कितनी बार, 11 11 11, 4 बार था ना, तो 121 × 121। ठीक है, यही आएगा, अभी इन दोनों की टफ होती है थोड़ी सी, इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, देखने में लग रहा है आपका, पर ये बहुत ही सिंपल है, अभी आप कहोगे इसमें कैलकुलेशन तो थी नहीं। ये देखिए 1000 की जगह कितना दे रखा है, 8000, तो ये कितना है इसका, 8 टाइम, तो हमें इसका भी 8 टाइम करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जब आप 8 से, क्योंकि देखो 10,000 दिया है, 10,000 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आएगा, आप 8 से करोगे तभी 80,000 आएगा, तो यहां पे भी 8 से करना पड़ेगा, 8 से करेंगे, 8 × 8, बस इतनी ही आपको कैलकुलेशन करनी थी। आपने जैसे पता लगाया लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, अब यहां देखिए यूनिट डिजिट आपको बी में दिखा, खाली 8 बाकी कहीं पे नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ये, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेते तो भी आपका कंप्लीट हो जाता। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 32, बिहार पटना और गुजरात, जैसे कि आपको पता होगा बिहार की कैपिटल पटना है, गुजरात की क्या है, गांधीनगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? देखिए अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि इसमें से कौन सा था या कौन सा नहीं था, एक्यूरेट नहीं पता लग पाया था, सुपर कंप्यूटर तो पता था कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर वो क्या है आपका, परम है। ठीक है, परंतु प्रारंभिक कंप्यूटर कौन सा था अभी उसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये आपका समझ लो एक तरीके से रॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, इसका डिटेल नहीं दी गई है। चलिए आप गूगल वगैरह करके देख लेना, अगर आप पता कर सकते हो तो अलग अलग आता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, माना पुत्र एक्स साल का है, तो पिताजी हमारे हो गए इनके x+26, 3 वर्ष बाद जी प्लस करते हैं 3 इसमें, ठीक है, प्लस 3 कर, मैं यहां 3 कर देता हूं प्लस पीछे, ठीक है, तो यहां भी प्लस 3 करेंगे, यह आपको हो जाएगा x+3
और ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 29। क्या बोलता है, तीन गुनी आयु के हो जाते हैं, तीन गुनी मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करिए ये हो जाएगा आपका 3x प्लस में 9 और ये आपका x प्लस में 29। प्लस का x है इधर आएगा माइनस, यानी कि 2x, प्लस का 9 है इधर जाएगा माइनस, 29 में से 9 गया आपका बचेगा कितना 20, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि x कौन था, बेटा था, पुत्र था, तो पुत्र की हो गई 10 ईयर, तो पिताजी की कितनी होगी 26 साल ज्यादा थी, यानी 10 प्लस 26 कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36 मतलब बी आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 25, 23, 26, 29, 31, 39 एंड 11 की माध्यिका ज्ञात करनी है, आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का सिंपल सा तरीका होता है, आपको क्या जो बीच का नंबर होता है ना, मैं आपको पूरा फॉर्मूला लगाता हूं, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, तो उसमें फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू प्लस एन अपॉन टू प्लस 1 और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड, और अगर ऑड नंबर होता है ऑड, तो इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन में 2, बस ये छोटा सा। ठीक है, तो खैर मैं आपको और आसानी से बता देता हूं, ये सब फॉर्मूले लगते हैं जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी कर सकते हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, आरोही अवरोही। तो देखिए नंबर कितने हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है, इसका मतलब हमने पता लगाया 7 नंबर है तो बीच का इसमें कौन सा होगा, 7 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी आपका आ जाएगा फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, वही आपका आंसर होगा, फोर्थ नंबर बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे ये आएगा 1, दूसरे नंबर पे आपका आएगा 23, तीसरे पे आपका आएगा 25, चौथे पे क्या आएगा आपका फिर 26, तो आपका 26 हो गया आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, जैसे कि आप पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखते 11, ठीक है 11, उसके बाद फिर आप लिखते 23, फिर आप लिखते 25, फिर आप लिखते 26, ठीक है 29, 31, 39, फिर आप चौथे नंबर पे देखते तो भी आपका वही आता। तो आप जितना आसानी से कर सकते हो उतना कम टाइम वेस्ट करके करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है और 3% अधिक अगर उसका इंटरेस्ट रेट कर देते हैं 900 रुपए अधिक मिलेगा। तो देखिए एक साल का 3%, 6 साल का कितना हो जाएगा 18%, 18% आपका कितना दे रखा है, 18% आपका दे रखा है 900 रुपए। ठीक है फ्रेंड, और आपका 18% 900 रुपए दे रखा है तो 1% कितना होगा, 18 से डिवाइड कर देंगे, 1% आपका हो जाएगा 18 × 95, 50, आपको निकालना कितना है 100%, 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 की 100 में करेंगे कितना आएगा 5000, आपका आंसर हो गया डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2/5 + 2/9, 2/5 + 2/9 डिवाइड 2/5 + 5/9, हमने इसका एलसीएम लिया 45 आया, 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10, 18 + 10 डिवाइड इसका करोगे तो इसका भी ऐसे होगा 45, 9 × 2 = 18 + 5 × 5 = 25। ठीक है फ्रेंड, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको आप प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 18 × 10 = 28/45। ठीक है, आगे डिवाइड की जगह आप लिखोगे मल्टीप्लाई और इसको रिवर्स कर दोगे, पहले इसको ऐड कर लो 18 और 25 = 43, 43/45 आएगा ये, 43/45 डिवाइड का निशान है तो इसको हम पलट देते हैं, यहां पे आएगा 45 और नीचे 43, 45 से 45 कट गया आपका 28/43 बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया
बी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जी हाँ, पहले ही आपका सत्य निकल गया कि जो रेटिना होती है हमारी आंखों की, उस पे हम जो भी चीज देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमें सीधा दिखाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो भी भिन्न है उसको चुनो। आपका साइरस दे रखा है, मार्स, नेपच्यून, सैटर्न। तो देखिए ध्यान से, ये तीनों के तीनों आपके ग्रह हैं, प्लैनेट हैं। ठीक है, पर जो साइरस है वो आपका क्या है, एक तारा है। तो आपका तारा हो गया आंसर, सबसे अलग है ये। चलिए अगला करते हैं। अगला दे रखा है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन फिर देखिए क्या दिया है। जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह ग्रह प्रणाली पर आधारित था? ये 2015 का क्वेश्चन है, इसलिए वहां का उस टाइम का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो आपका इसका आंसर होगा बी, न्यू होराइजंस। ठीक है, होराइजंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर आपका बेहतरीन क्वेश्चन आया मैथ का। पी कार्य करने में क्यू से दुगना समय लेता है, यानी पी और क्यू, पी जो है कार्य करने में क्यू से दुगना समय लेता है, यानी कि 2 और 1 दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 22 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो क्यों अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो काम देखिए कितना है, टोटल काम निकालेंगे 22 × में, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 3। ठीक है, अपॉन में निकालना किसका है, क्यू का, क्यू का निकालना है, तो क्यू कितना है, 1, डिवाइड कर दो इसको तो आ जाएगा आपका 66। और अगर मान लो आपसे कहता पी का निकालना है तो आप कितने से डिवाइड करते, 22 × 3/2, तो ये आपका आ जाता 2 × 11, 11 × 3 = 33। ठीक है फ्रेंड, तो हमें तो पूछा किसका है, क्यू का, तो क्यू का आपका आ गया 66, मीन्स सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो वह अपने अंकों की योग का 7 गुना हो जाती है। इसको मैं 2 तरीके से करना बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले संख्या कितनी थी, 4 गुना थी, ठीक है, आपकी 4 गुना। बाद में कितनी हो गई, जैसे हमने 27 प्लस कराए 7 गुना हो गई, ठीक है, 7 गुना हो गई, क्या करने पे, प्लस करा 27। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 टाइम्स का, यानी 3 गुना जो है आपका वो किसके बराबर है, 27 के। ठीक है, तो 3 से काटो कितना आएगा, 9। तो 9 आपको देखना है, इसमें जो संख्या दे रखी है ना किसका सम 9 आएगा। ठीक है फ्रेंड, जो सम होगा ना संख्या वो 9 होगा। तो देखिए जैसे हम करते हैं, टू और फोर कितना होता है, 6, 1 और 2 कितना होता है, 3, 4 और 8 कितना होता है, 12, 3 और 6 कितना होता है, 9, यानी आपका आंसर हो गया डी, 9। ठीक है, आपका आंसर हो गया, किस पे थे हम, इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, आपका आंसर हो गया डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए 2016 में दुनिया का सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च में डैश में किया गया था। देखिए रेबीज हो गया आपका, पीलिया हो गया, ठीक है, पोलियो, इसकी जो बीमारी थी ना इसमें सर्वप्रथम भारत ही आगे निकला है, इसलिए उम्मीद भी करी जा रही है कि कोरोना में जो आपका COVID-19 है उसमें भी भारत आगे निकले, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन दे रखा है, NaCl किसका सूत्र होता है? ठीक है, ये आपका होता है नमक का,
सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए, चलिए एक मैथ का क्वेश्चन फिर आया आपका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको दिखेगा ये। एक नाव की धारा की विरुद्ध दिशा में, एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से वाई की ओर जाती है, धारा की दिशा में वाई से एक्स की ओर वापस आती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल इतनी है और धारा की इतनी है, तो आप बताओ पूरा औसत चाल कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे जाने में, एक तरफ जा रही है तो x प्लस वाई अनुकूल में आपका हो गया 4010, 50 अनुकूल में माइनस हो जाएगा, 40 में से 10 गया 30। ठीक है फ्रेंड, अब आपसे क्या बोला गया है, इसका निकालनी है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो कितना निकाला था हमने, जो औसत 50 इंटू 30 अपॉन में 50 प्लस 30। ठीक है, अच्छा इंटू में 2 रह गया, ये 2 भी था। इसको अब आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये जो x यहां पर रिप्रेजेंट कर अनुकूल में प्रेजेंट कर रहा है और ये आपका प्रतिकूल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया 50 और 5 × 15, 15 × 30 आई थिंक 3000 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 18, 10 से 10 कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर लेना, 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 150, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 46 हो गया। रग्बी 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने करी थी। ठीक है, उस समय का जनरल नॉलेज का था, पर अब तो आपका ये पास्ट का बन गया, फ्यूचर टेंस में दे रखा है पहले, क्योंकि उस टाइम फ्यूचर का था। तो किसने करी थी, वो जापान ने करी थी। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, पी पहले एक घंटे में 50 किलोमीटर की गति से जाता है और अगले दो घंटे में 70 किलोमीटर प्रति गति से जाता है, तो पी की औसत गति कितनी है। जरा ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस पहले मैं पता करूं, पहला कितना गया वो 50 किलोमीटर प्लस, फिर अगले दो घंटे में 70 किलोमीटर की स्पीड से, एक घंटे में 70 था, दो घंटे में कितना 140, और टोटल कितना टाइम लिया है 3 घंटे, 14 × 5 = 19, 190/3 डिवाइड करोगे, 3 × 6 = 18 बचा 10, 3 × 3 = 9, बस आगे क्या करने की जरूरत है आपको, बी दिख गया, यहीं से टिक लगाओ क्योंकि इस तरह से कहीं आ रहा है सिर्फ। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। चलिए, यदि वो 1380 रुपए में बेची गई होती तो उसे कितना परसेंट लाभ की वृद्धि होती। ठीक है, वृद्धि पे ध्यान देना। तो देखिए, पहले 1200 में बेचे, 1380 में बेचता, तो यानी कि 1200 से 1380 में बेचता, सीधा सीधा पता लगा मैं 180 का फायदा होता 1200 पे, इंटू में 100 1200 पे। ठीक है, 2 × 0 = 2 कट गई। ठीक है, और 12 × 1 = 12 बचा 6 × 12 = 60 यानी 15%। ठीक है, 15% भी दे रखा है, आप उस पर टिक लगा देते गलत हो जाता, उसमें देखो क्या पूछा है, कितनी वृद्धि हुई। तो पहले कितनी थी 10% थी और अब 15 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ सिर्फ 5% का, तो आपका आंसर हो गया 5%। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जाएंगे आपके, बाकी हम 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसमें क्या दे रखा है, कॉइल दे रखा है 315912, तो ध्यान से देखिए सी कितना होता है आपका, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, सी आपका होता है कितने पे 3 पे प्लस, ओ कितने पे होता है 15, आई कितने पे होता है 9, एल कितने पे होता है 12। ठीक है, तो अगर मैं इनको प्लस करता हूं, एक साथ लिखता हूं 3912,
क्या यही कोड बन गया? देखिए बन गया ना। इसी तरीके से आपको इसका बनाना है प्राइस का। पी कितने पे होता है? पी आपको होता है 16 पे। आगे आपको देखना ही नहीं है, पहला ही देख लीजिए पता लग गया 16 ये रहा, ठीक है। वैसे अगर पता करो तो आगे आर कितना होता है आपका 18, आई फिर अगेन 9C3 और 5, तो आपका पूरा कोड ये बन जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और इसको आप बैठ करके वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सको इसको प्रॉपर टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करना। ये हमारी 1 घंटे के आसपास पहुंच गई है क्योंकि मेरे को तो समझाना ही पड़ा। आप इसकी स्पीड देखें कि 50 क्वेश्चन को कितने टाइम में कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। ओके, मिलेंगे अगली फिर वीडियो में।